तो दोस्तों खाना खाने का टाइम हो गया मेरा, सुबह के 2 बज रहे हैं। और यहाँ पे आलू चावल क्यूरी, क्यूरी यार जापानीज में क्यूरी बोलते हैं, और दही, दही इज मैंडेटरी। नमस्कार कौन एन कोनिच्चुवा मेरे यूट्यूब के परिवार। और आज हमें खाना खाते हुए 2 बजे हैं अभी, तो थोड़ा सा बिजी था एडिटिंग में, वहां पे बिजी हो गया था, इसलिए अब शुरू कर रहा हूँ। भगवान खाने दो, अब मैं खाऊंगा। बाय बाय। तो दोस्तों मैं तुम्हें आज दिखाता हूँ जापान के स्कूल में फंक्शन होते हुए, देखना कितना होशियार है, मतलब एकदम इंटरेस्टिंग है। ये देखो आगे हो रहा है फंक्शन, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे भी खुदाई में कल रात यही दिख रहा था। और वहाँ पे देखो ये फंक्शन हो रहा है, मतलब प्रोग्राम है, कौन सा क्या है पता नहीं, कुछ हो रहा है उन लोगों का। यहाँ पे देख लेना, दिखाई दे रहा होगा, कुछ कर रहे हैं वो लोग, मतलब परेड जैसा कर रहे हैं। और वहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा स्पोर्ट्स डे टाइप कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि 13th को शायद हॉलीडे दिया गया था इनका स्पोर्ट्स डे का, और आज शायद स्कूल में किए होंगे, पता नहीं क्या है, लेकिन कर रहे हैं कुछ। और मॉर्निंग को गाना गा रहे थे और कुछ शाउट आउट कर रहे थे, क्या 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 कर रहे थे मेरे को पता नहीं, लेकिन मज़ा आ रहा था देखने में। और मैंने खाना खाया, अब चल रहा हूँ बाहर। और आपको लग रहा होगा कि ये हमेशा मास्क, जापानीज लोग मास्क और मास्क का कुछ अलग ही रिलेशन है, हमारा तो मतलब इतना आदत नहीं है ना मास्क लगाने का। लेकिन ये लोग, मैं जब पहली बार आया था ना, तब आया था प्री कोविड, मतलब कोविड से आगे आगे, मतलब कोविड होने से पहले, पोस्ट बॉक्स, तो कोविड होने से पहले आया था, तब भी यहाँ पे 90% ऑफ लोग मास्क, 90, ये कुछ वाइल्ड है ये लोग, इन लोगों का कुछ मेरे को समझ नहीं आता ज़्यादातर, लेकिन 90% और लोग मतलब कोविड के पहले से ही मास्क लगाते थे यहाँ पे, जुकाम हो गया तो स्कूल में भी लगा के आते थे और बाहर में भी। ये देखो दीदी भी मास्क लगा के जा रही है, ये दीदी भी मास्क लगा के जा रही है, मतलब मास्क यहाँ पे कंपलसरी जैसा ही था। तो मैं जब भी पब्लिक जगह पे जाना होता है ना, पब्लिक मतलब बैंक जैसे, मॉल जैसे, वैसे मैं ज़्यादातर मैं मास्क ही लगा के जाता हूँ, क्योंकि मेरे को भी वेट सा लगता है। गाइस देख लो यार ये कितना अच्छा एरिया है, मतलब सब पेड़ पौधे और वहाँ पे स्कूल बच्चों लोगों के लिए, ऐसा एरिया होता ना पढ़ने में भी मज़ा आता है। नहीं फ्रेश हो जाता है, नहीं मेरे को तो अच्छा लगता है एकदम। देख लो कोका कोला की गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है, नहीं रेड में पूरा सी मस्त। तो दोस्तों जल्दी ही मेरे 5 प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जो मेरे चैनल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैं करने वाला हूँ। और कल ही मैंने एक प्रोजेक्ट का मतलब ऐड किया था, 4 थे, एक कल ऐड किया था, वो मेरे भाई, एक भाई ने कमेंट किया था कि अ डे इन लाइफ ऑफ इंडियन स्टूडेंट इन जापान का करो, वो सीन कर रहा हूँ मैं। और उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, थोड़ा सा वेट कर लेना और चैनल को देखते रहना, मैं कर रहा हूँ अभी, तो डेली व्लॉग है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, वो मैं शायद इस वीक के एंड तक मैं वो कर पा दूँगा। और यहाँ पे देख लो ये है ना, अब कुछ कुछ टाइम में ना पूरी बर्फ़ से घिर जाएगी। और ये हो गया हमारे यौन में फुल बर्फ हो जाता है यहाँ पे, मतलब ये ग्रीन सा पूरा वाइट हो जाता है, ये देखो। तो दोस्तों ये बिल्डिंग देख रहे हो ना बनते हुए, मैं अब थोड़ी देर में आऊँ ना, 1 महीने के बाद मेरे चैलेंज कंप्लीट होने के बाद, तो ये इसकी देर से बन जाएगी, मतलब फुल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा ये, इतनी जल्दी है इन लोगों का वर्क। तो ये कितना अच्छा है ना, ये शायद फ्रांस का एक रेस्टोरेंट है, कितना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ। जापान में खेत कितनी अच्छी है, नहीं सब सब साफ सुथरा, और क्या क्या इक्विपमेंट भी रखी हुई है।
से जापान के पेट्रोल पंप देख लो, यहाँ पे टायर है, उधर पे कार वॉश भी होता है और खुद ही फिल कर लो और जाओ। मस्त है ना, यहाँ पे कार वॉश होता है, वहाँ पे बाइक वॉश, सॉरी थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, वहाँ पे कार वॉश और इधर पे बाइक वॉश। और भाई हाँ, बाइक से याद आया यार दोस्तों, जो हमने चैलेंज शुरू किया था ना 100 डे का चैलेंज, मतलब 100 डे तक हम चैलेंज करके जो कावासाकी की बात कर रहे थे, मैं हाँ कावासाकी है लेना, मेरा मन भी है, लेकिन रिसेंटली है ना मेरा पेज पे डूक का बहुत ही बड़ा मतलब अच्छा अच्छा वाला है ना ऑफर आ रहा है, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा लूँ, डूक बेटर रहेगा या कावासाकी से, मेरे को पता नहीं यार, खुद ही एक बार डिसाइड कर दो मेरे लिए एक बार, है ना। मेरे को तो पहले से ही लेना था डूक, तो कभी लेना ही नहीं था मेरे को, मतलब कावासाकी ही लेना था मेरे को, है ना। लेकिन अभी ये डूक का देखकर मेरे को थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा कमेंट कीजिए मेरे से, को बताइए है ना कौन सा लेना बेहतर होगा। और उसके बाद हमारी मस्त ब्लॉग आएगी ट्रैवल की, जहाँ पे भी जाएंगे हम, मतलब जापान में बहुत सारे प्लेसेस है दोस्तों जहाँ पे बाइक में जा सकते हैं, और इतना अच्छा अच्छा प्लेसेस है, वो सब में जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे। अभी जुड़ जाइए हमारे साथ, आपको बेस्ट ब्लॉग मैं दूंगा ये मेरा वादा है। यहाँ पे देखो ये मर्सिडीज का शोरूम है, और BMW का सॉरी, और यहाँ पे BMW बहुत ही अच्छी वाली है ना। जो सब लोगों को है ना, ये जापान में वेंडिंग मशीन होती है ये पता है, लेकिन 100 की वेंडिंग मशीन भी होती है, मतलब सब 100 थे, तो वो इंडिया के लगभग 80 रुपये जितने के सब ड्रिंक वहाँ पे, वो बहुत ही बढ़िया है प्राइस। ये पुलिस स्टेशन है ससुराल, और यहाँ पे हो गए बाइक। दोस्तों मैं रास्ते में अभी एक बाल मतलब सलून में जाके देख रहा था है ना प्राइस वहाँ पे, और उसमें सिर्फ बाल काटने के 8,500, कैन यू बिलीव दैट, मतलब 8,500 बाल काटने के, और क्या कहते हैं, मतलब कॉलर करो या फिर डाई करो तो वो एक्स्ट्रा लगेगा उसके अलग है। मैं तो सोचा सब कुछ करके देंगे है ना, कलर हो गए इधर उधर, कटिंग सेटिंग इधर, लेकिन 8,000 सिर्फ बाल काटने के, मैं घर पे काट लूँगा, छोड़ दो तुम रहने दो। तो दोस्तों 8,000 लगाने की जगह मैंने खुद ही काट दिए बाल, तो मैंने घर में मशीन खरीद रखी है इसलिए अच्छे से बन गए, दाढ़ी भी थोड़ी सी बना ली। आजकल मैं ये मुलेट जैसा थोड़ा सा कर रहा हूँ विराट के देखकर, और अब हम खा रहे हैं ये देखो समोसे, चाय, चटनी, जन्नत, कितना अच्छा बना है, बड़ा बहुत ही अच्छा बना है। अब खाते हैं इसको, इसकी आने वाली कुछ ज़्यादा ही वो था, स्पाइसी था ये। तो दोस्तों देखो ऐसा एकदम हीरो सा बन के एकदम अमिताभ बच्चन दारी दारी क्यों समझे क्या आई करके अब जा रहा हूँ मैं काम में। और आज का खास में व्लॉग यही है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कल फिर से मिलते हैं, बड़े 5 प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उसके लिए प्लीज़ बनी रहिएगा चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, राधे राधे।